फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रंग बिरंगी कंफर्टेबल और आकर्षक कपड़े पहनकर रेनबो बटरफ्लाई की तरह कलरफुल जीना किसे नहीं पसंद। हमारी चिंकी को भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, लेकिन गट्टू को उतना पसंद नहीं था। अरे अरे, ऐसा गट्टू का नहीं, उसके कपड़ों का कहना था। गट्टू ठहरा चंचल और मस्तीखोर बच्चा, दिन भर बस इधर उधर भटकते रहता था। कहीं भी उठता था, बैठता था, गिरता था, और कभी कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुंच जाती थी। नहीं समझे? अरे भाई, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कपड़ों का क्या दोष? मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से। गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आए हो। बेटा, कपड़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दूसरे दिन शाम को फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब। लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी। चिंकी को बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था। चिंकी कपड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी, अपने कपड़ों से वो प्यार करती थी। दाग तो दूर, चिंकी के कपड़ों पर छोटी सी मक्खी भी नहीं बैठी देखी किसी ने। कपड़ों के मामले में ऐसी थी चिंकी। और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए, स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए, और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन। गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल के यूनिफॉर्म में ही रहने लगे और कलरफुल कपड़े कबर्ड में ही पड़े रहने लगे। क्या यार गट्टू, सुबह हो या शाम, बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म। बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, स्कूल में कलरफुल कपड़े पहनकर आना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हुई बोली, हाँ हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो सफेद जो है, और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी हॉबी है। ए चिंकी यार, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो जरा अपने यूनिफॉर्म को, क्या हालत कर दी है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात केवल चिंकी की ही नहीं थी, स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहन कर बोर हो गए थे। और इतना ही नहीं, मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देख कर बोर हो चुके थे। और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसी अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर सारे बच्चों के चेहरे एकदम कलरफुल हो गए। बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होगा, जिसे जो पहनना है पहने, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। कल संडे की छुट्टी है आपके लिए, भरपूर तैयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को छुट्टी दो। ये! क्लास के बच्चे सच में बहुत खुश थे। दोपहर की छुट्टी में बस बातें ही बातें हो रही थी। मैं परी बनकर आऊंगी, मैं सोल्जर बनकर आऊंगा, और मैं पायलट बनकर आऊंगा। अरे ये कॉम्पिटिशन है, कुछ तो सीक्रेट रखो, आज ही बता दोगे सब तो फिर मंडे के लिए क्या खास बचेगा। ओ वेरी स्मार्ट, अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या फैंसी पहन कर आती हो। मुझे चैलेंज, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, गट्टू ने चिल्ला चिल्ला कर पापा के कान पका दिए। पापा, पायलट की ड्रेस चलो मुझे ला कर दो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, कल पूरा संडे पड़ा है, दोनों का कॉम्पिटिशन है ना, चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे। चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है। चिंकी बेचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहन कर जाए जिससे कपड़ों को फैंसी टच मिले और वो कॉम्पिटिशन जीत जाए, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गट्टू तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाच रहा था। मेरी पायलट वाली ड्रेस आ रही है, तुम्हारा क्या, बोलो बोलो बोलो। बेचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबर्ड खोल कर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए। चिंकी उन कपड़ों में बहल गई। वाह मम्मी, आपके तो बचपन के कपड़े भी हैं इसमें। हाँ, संभाल कर रखे हैं मैंने। अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एक्साइटेड होकर मम्मी को बिलक गई। थैंक्स मम्मी, मुझे आइडिया देने के लिए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का दिन। मंडे के दिन स्कूल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहन कर आए हुए थे। गट्टू तो पायलट बनकर बस इधर उधर उड़ रहा था,
बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे। अरे कहाँ है वो चिंकी, बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी। तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रह गए, फिर एकदम से हंसने लगे क्योंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी। अरे चिंकी, और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए, ये क्या फटे पुराने कपड़ों की दुकान लग रही हो एकदम। जजेस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया। तो बच्चों, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर है चिंकी। ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शॉक्ड हो गए। मैं जानता हूँ आप हैरान होंगे, और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रिएटिविटी देखकर। आप सबने बस रेडीमेड ड्रेस लाकर वह पहन लिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि चिंकी ने कुछ क्रिएटिव किया। उसने अपनी मम्मी पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाया। उसकी इस क्रिएटिविटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है, उस जमाने में क्या पहना जाता था, उस टाइम का फैशन, आज का फैशन, बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फैंसी ड्रेस से। उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूंगा, लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रॉफी ले ली। सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर चिंकी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का चैलेंज पूरा किया। चिंकी की ड्राइंग क्लास। गट्टू और चिंकी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो अब उनके सब्जेक्ट्स भी बढ़ रहे थे, इसीलिए स्कूल में अब उन दोनों के लिए पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था अब वो कंपल्सरी बन गया। उस सब्जेक्ट का नाम था ड्राइंग। चिंकी को ड्राइंग काफी पसंद था, लेकिन जब भी चिंकी ड्राइंग का नाम सुनती तो उसे टेंशन आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी और उसके कारण उसे एक बार बहुत डांट भी लगी थी। कुछ दिनों पहले चिंकी के क्लास में सर ड्राइंग पढ़ा रहे थे। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि मोर का चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सर की तरफ देख रहे थे, सबका ध्यान सर ही की तरफ था, लेकिन चिंकी अपना खुद अलग से ड्राइंग बना रही थी। और अचानक सर की आवाज आई, तो ड्राइंग कौन बनाएगा, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, चिंकी बेटा तुम आओ। चिंकी का तो ध्यान ही नहीं था, सो वो ड्राइंग कैसे निकालती। उसने अपनी गलती मान ली और सर को बताया। सर, जब आप सिखा रहे थे तब मैं अलग ड्राइंग बना रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर क्या था, सर ने चिंकी को डांटा और तब चिंकी ने ठान लिया कि वो मोर का ड्राइंग सीख कर ही रहेगी। चिंकी को ड्राइंग वैसे भी बहुत पसंद था, बस उसे थोड़ा सीखने की जरूरत थी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आए। गट्टू जोर जोर से हंसने लगा और चिंकी मायूस हो गई, लेकिन तभी मम्मी वहाँ आ गई। बच्चों, मस्ती नहीं। मम्मी, ये गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है मेरी ड्राइंग को लेकर। क्यों गट्टू, ऐसा नहीं करना है। इसे मोर का ड्राइंग बनाना नहीं आया। चिंकी बेटा, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा रेनबो ड्राइंग क्लासेस में एडमिशन करवा देते हैं, तुम टेंशन मत लो। इसलिए चिंकी का मूड उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने ड्राइंग क्लास के बारे में कहा, चिंकी खुश हो गई। मम्मी ने ये देख लिया था। इसके बाद गट्टू चिंकी दोनों की ड्राइंग क्लास में एडमिशन हो गई। क्लास का नाम था रेनबो ड्राइंग क्लास। क्लास में पहुंचने पर सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज से उनकी ड्राइंग की क्लास शुरू होने जा रही थी। सबके चेहरे पर स्माइल थी और सभी अपनी अपनी लाई हुई चीजें दिखा रहे थे। देखो देखो, मैंने वाटर कलर्स लाए हैं, तुम्हारे पास कौन से कलर्स हैं गट्टू? मेरे पास है पेंसिल कलर्स, देखो ये कितने सारे कलर्स हैं। मैंने तो यार वैक्स कलर लाया है, मुझे पेंटिंग्स में रंग भरना अच्छा लगता है। सभी दोस्त एक दूसरे को कलर्स दिखा रहे थे और अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। भूषण ने वाटर कलर लाए थे, तो उसने अपने बैग से ब्रश भी निकाला और वो पूरे क्लास को दिखाने लगा। डंटडन, और ये है मेरा हथियार, एक ब्रश, जिससे मैं बनाऊंगा अलग अलग ड्राइंग। और तुरंत उसके बाद गट्टू ने हाथ में ब्रश लिया और कहा, ये तो बहुत बढ़िया ब्रश है भूषण, वाओ, मैं भी इससे ड्राइंग बनाऊंगा, वो भी अलादीन का चिराग। सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन चिंकी जो हमेशा उछलती कूदती थी, आज वो शांत बैठी थी।
तो गट्टू ने उससे पूछा, चिंकी तुम कौन सा ड्राइंग बनाओगी? चिंकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लगता है चिंकी ड्राइंग बनाना ही भूल गई। क्लास में बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी ड्राइंग सिखाने वाले सर वहां आ पहुंचते हैं। रेनबो क्लास में सिखाने वाले ये सर ड्राइंग सिखाने में बहुत फेमस थे। आते ही उन्होंने सब बच्चों से बातचीत करनी शुरू कर दी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? आज से मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूँ, ठीक है? तो अब मैंने जैसे अपना नाम बताया वैसे सभी अपना अपना नाम बताएंगे, और साथ ही मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है। एक एक करके बच्चे अपना नाम बता रहे थे और साथ ही मैं उसे कौन सा ड्राइंग निकालना है उसका नाम भी बता रहे थे। गट्टू ने कहा, मुझे अलादीन का चिराग निकालना है। इसके बाद भूषण ने कहा, मुझे पानी में तैरती जहाज का ड्राइंग बनाना है। सबने अलग अलग चीजें बताई और जैसे ही चिंकी की बारी आई तो वो चुप थी। तो सर ने कहा, बताओ चिंकी तुम्हें कौन सा ड्राइंग निकालना पसंद है? अरे अरे डरो मत, यहाँ हम सारे तुम्हारे दोस्त हैं। सर मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती, मुझे डर लगता है कि मैं खराब ड्राइंग ना बनाऊं। इसमें डरने की क्या बात है चिंकी, मैं तुम्हें अच्छा ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। बात ये थी कि मम्मी से ड्राइंग वाले सर को ये पता चला था कि चिंकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत होशियार है, ड्राइंग भी निकालना उसे आता है, बस उसे और शार्प बना दो ड्राइंग सब्जेक्ट में। तो सर ने चिंकी को क्लास के बाद कहा, चिंकी बेटा यहाँ आओ। जी सर। चिंकी मैंने सुना है तुम सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हो, है ना? लेकिन सर ड्राइंग बहुत हार्ड लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें ड्राइंग पसंद तो है ना? हाँ। देखो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता और जो हमें पसंद है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, अगर हम मन लगाकर काम करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं तो सब हार्ड चीजें इजी हो जाती है, उसी तरह ड्राइंग भी है। तुम एक काम करो, कल तुम्हें जैसा आए वैसा एक ड्राइंग निकाल कर लाना। क्लास के बाद जब गट्टू चिंकी घर आते हैं तो मम्मी पूछती है, गट्टू चिंकी कैसी रही तुम्हारी ड्राइंग की क्लास? हम सब अलग कलर्स लेकर आए थे और पता है भूषण तो कलर्स का ब्रश लेकर आया था और हमें होमवर्क में ड्राइंग निकालने के लिए भी कहा है। तुम बताओ चिंकी। हाँ मम्मी बहुत मजा आया, सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। अब चिंकी के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी और डर नहीं था, वो भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। मम्मी समझ गई थी कि चिंकी का ड्राइंग को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है। बाद में गट्टू और चिंकी ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई और दूसरे दिन क्लास में उसे लेकर गए तो सर ने सभी को दोनों की ड्राइंग दिखाई। सभी बच्चे गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाएंगे। सर के कहते ही पूरे क्लास में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। गट्टू तो अच्छी ड्राइंग निकालता ही है लेकिन चिंकी जो कल तक ड्राइंग सब्जेक्ट से डरती थी उसने भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। उस दिन से चिंकी को ड्राइंग सब्जेक्ट सुनकर कभी डर नहीं लगा, हार्ड लगने वाला ड्राइंग सब्जेक्ट चिंकी के लिए आसान बन गया। वेरी गुड चिंकी, अब ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग बनाते रहना। हाँ सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से अब मैं अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। उसके बाद जब बच्चों की एग्जाम हुई तो चिंकी को ड्राइंग में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले थे, उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। इस तरह रेनबो ड्राइंग क्लास में चिंकी का ड्राइंग और भी बढ़िया हुई और उसके बाद चिंकी ने बहुत से चित्र बनाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।